हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे खफीफ मेहंदी डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है ये। और इस तरीके से हम पहले अपने जो भी हमें डिज़ाइन बनाना है जिस शेप में, उस शेप में हम अपने इस तरीके से डॉट डॉट करके पैटर्न को क्रिएट कर लेंगे। और देखो, यहाँ पर मैं सबसे स्टार्टिंग में बॉल फ्लावर ऐड करूँगी। यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको ये फ्लावर बनाने सिखाए हैं अपनी वीडियो के अंदर। आप चाहो तो जाकर वहाँ से सीख सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं, बॉल फ्लावर हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। इसके बाद ही फ्लावर बनाने के बाद हम इसके ऊपर हम्स बनाएंगे। बहुत ही बारीक बारीक हम्स बनाएंगे। और ये खफी मेहंदी की जो सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही कम डिज़ाइन में बन जाती है, और लगने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक इसका जो आता है ना, वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है, देखने लायक होता है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम्स बनाएंगे हम बारीक बारीक हम्स। ये देखिए इस तरीके से, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रोल है वो हम्स का ही है। बोल्ड फ्लावर और हम्स, इसी से ही इस मेहंदी का लुक आता है। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की या ज़्यादा फ्लावर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से हम्स बनाएं, छोटे छोटे हम्स बनाएं, और लीव्स बनाएं, और बॉल फ्लावर बनाएं। इन तीन चार चीज़ों से ही ये मेहंदी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है, आप देख सकते हैं। और जब यह फुल वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी, जब तो आप इसका जो फाइनल लुक है वो देखेंगे आप, तो वाकई में बहुत ही अच्छा को लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए पहला जो पैटर्न था मेरा वो कम्प्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने कम डिज़ाइन में ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको मेहंदी देखने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि बहुत ही कम डिज़ाइन है, लेकिन जब ये मेहंदी डार्क हो जाती है, सूख जाती है, रच जाती है हाथ पे, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। हर चीज़, मतलब बॉल फ्लावर है वो थोड़े डार्क होके दिखते हैं, और जो हमने ये हम्स बनाए हैं छोटे छोटे, ये थोड़े लाइट होके दिखते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि थोड़ा कैमरे में और ऑन स्क्रीन में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। आप ज़्यादा ना सोचें इस चीज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये हमारा आज बन के रेडी होगा। आप देख सकते हैं मैंने दूसरा पैटर्न भी अपना तैयार कर लिया है, और अब इसमें भी हम तीसरे पैटर्न में भी थोड़ा सा बॉल फ्लावर ही ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके ऊपर मैंने हम्स बनाने हैं, और इसके अंदर आप ज़्यादा बड़े बड़े फ्लावर ऐड ना करें, छोटे छोटे बॉल फ्लावर इसके अंदर ऐड करें, तो ही ज़्यादा खूबसूरत इसका लुक आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने हम्स को क्रिएट किया है, यहाँ पर लीफ को क्रिएट किया है। और ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ये तो इस मेहंदी के अंदर मस्ट है। ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये तो इस मेहंदी के अंदर होना ही होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही कम डिज़ाइन के अंदर हम काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन मेहंदी लगा लेंगे। अगर आपको ज़्यादा डिज़ाइन बनाने नहीं आते हैं तो आप इनको तीन चार जो डिज़ाइन है हमारे इनको सीख लीजिए, और आप अच्छी खासी मेहंदी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने अब ऊपर की तरफ से डिज़ाइन का पैटर्न ड्रॉ किया है। जो भी मुझे पैटर्न चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप इसमें हार्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको हार्ट डिज़ाइन भी बना के दिखा दूँगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ये देखिए यहाँ पर बीच में भी मैंने इसमें फ्लावर ऐड किया है, बॉल फ्लावर। कितना प्यारा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। और फाइनल रिजल्ट तो फ्रेंड्स, आप इसका देखोगे तो वाकई में कहोगे वाओ। ये देखिए
मैंने इसके अंदर बोल फ्लावर ऐड किया और इसके ऊपर हम्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए देखिए यहाँ पर छोटे छोटे लीव्स निकाली हैं, इन्हीं से ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है और इन्हीं से ही इसका लुक आता है मेहंदी का। आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखें किन किन चीज़ों से इस मेहंदी के अंदर लुक आता है। आप ज़्यादा डिज़ाइन ऐड ना करके इन तीन चार डिज़ाइन को सीख लो, बस आपकी मेहंदी जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी और उसका जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव आएगा। देखिए इसी के साथ हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर भी हम अपना गोल्ड फ्लावर ही ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पैटर्न बनाए हैं, आप चाहो तो पूरा गोल्ड फ्लावर भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें हर तरीके से। ये देखिए इसके ऊपर भी हमने हम्स बनाए हैं, यहाँ पर हमने ये लीव्स बनाई हैं, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है मेहंदी के अंदर। इसके ऊपर भी हमने हम्स बनाने हैं, ये देखिए ये जो हम्स का जो लुक है फ्रेंड बहुत ही अच्छा आता है, लाइट लाइट सा, और जो डार्क फ्लावर बनाया हमने इसका लुक आएगा डार्क, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है लाइट और डार्क का। और खफीफ मेहंदी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही जल्दी लग भी जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर हमने अपने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इन लीव्स को क्रिएट किया है और ऊपर से हम्स बना दिए हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो भी लोग मेहंदी में इंटरेस्टेड है और हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है आप उसको भी फॉलो करें, मेरे इसी नाम से ही है जाना मेहंदी आर्टिस्ट के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनका वर्क भी आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके कि मैं जो स्टूडेंट को सिखाती हूँ क्या सिखाती हूँ कैसे सिखाती हूँ, और जो स्टूडेंट वर्क है वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनका वर्क भी शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक तो ज़रूर ही कर दें। और फाइनल लुक आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा आ रहा है, ये देखिए, और ये डार्क होने के बाद तो फ्रेंड्स बहुत ही अट्रैक्टिव।